का दोस्त। दोस्तों शेख चिल्ली का नाम आप सबने सुना होगा। शेख चिल्ली को सपने देखने का बड़ा शौक था। जी मैं रात के सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुली आंखों से सपने देखने का बड़ा शौक था। शेख चिल्ली के घर में एक अमरूद का पेड़ था, उस पर बहुत अमरूद लगे हुए थे। एक दिन उसकी माँ ने अमरूद तोड़कर उसे एक छबड़े में भर कर दे दिए और कहा, ले बाजार जाकर बेच ले और जो भी पैसे मिलेंगे वो मुझे ला कर देना। शेख चिल्ली अपनी धुन में एक शहर की ओर निकल गया और जब रास्ते में थक गया तो एक पेड़ के नीचे लेटकर खुली आंखों से सपने देखने लगा और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अब सपने में वो देख रहा था कि मैं बाजार जाकर अमरूद बेचूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गाय का दूध खरीदूंगा, उस दूध को मैं बाजार में बेचूंगा, उस दूध को बेच बेच कर मैं गाय खरीदूंगा और उस गाय के दूध से मैं और गाय खरीद कर ले आऊंगा। ऐसा करते करते मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा तो मेरी शादी एक सुंदर कन्या से हो जाएगी। तब तक मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मेरा सारा काम नौकर करेंगे। मेरे ठाट बाट ऐसे हो जाएंगे जैसे राजाओं के होते हैं। फिर मैं शिकार पर जाऊंगा और जंगल में बैठकर सारे अपने शिकारियों के साथ खाना खाऊंगा और मैं पैसा होने पर इतना सोना खरीदूंगा कि सुनारों की दुकानें खाली करा दूंगा और मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना होगा। तभी उसकी अचानक आंख खुलती है और उसकी जो टोकरी में अमरूद रखे हुए थे वो बंदर लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब वो अपना सा मुंह लेकर घर वापस लौटता है और जब वापस लौटता है तो माँ उसकी बहुत जोर से धुनाई करती है और शेख चिल्ली चिल्लाता आए आए आए। दोस्तों ये कहानी हमें गुदगुदाने का मौका देती है। इस कहानी को कहने का मेरा लपोलुभाव यही था कि जहाँ से भी जैसे भी गुदगुदाने का मौका मिले आपको उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में इतना वक्त किसी के पास नहीं है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि आदमी मुस्कुराना ही भूल गए हैं। मुस्कुराने के बहाने ढूंढिए, मुस्कुराने की चीजों को अपने जीवन में लाइए और जीवन में मुस्कुराहट जरूर पैदा कीजिए। बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुस्कुराहट है, इस बात को सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ही सही लेकिन मुस्कुरा जरूर लें। मुस्कुराने से आप स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराने से आप में एनर्जी बनी रहेगी, मुस्कुराने से आपकी बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएगी। जब इतने सारे काम की चीज मुस्कुराहट है तो क्यों ना मुस्कुराएं? आप मुस्कुराइए, इस कहानी का मकसद पूरा कर दीजिए। अगर आप मुस्कुरा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको डिप्रेशन से, आपको टेंशन से मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ एक छोटा सा इलाज ही तो है, मुस्कुरा कर देखिए आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे जरूर याद कीजिएगा कि इस व्यक्ति ने हमें मुस्कुराने के लिए बोला था, और अगर मुस्कुरा लिए तो मुझे लगेगा कि मेरी कहानी को कहने का मतलब पूरा हो गया, मेरा जो उद्देश्य था मैं उसमें सफल रहा। अगर मैं उसमें सफल रहा तो आपकी वजह से मैं भी मुस्कुराऊंगा। थैंक यू, और मुझे मुस्कुराने का मौका दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।